सीपीयू 2023 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज है। आपके रिजल्ट को लेकर अपडेट आया है जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था और अगेन बता देता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास लगातार आ रहे हैं कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल की तैयारी हमको कब से शुरू करनी है, या फिर करें या फिर ना करें। वो भी असमंजस की स्थिति है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है मेल एंड फीमेल के लिए। तो कट ऑफ को लेकर लेकर जो प्रॉपर वीडियो है डिटेल में वो मैंने अपलोड कर रखा है, उस पर एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी मोटा मोटा अंदाजा बता देता हूँ आपको, अगर आपके जो नंबर है 128 से लेकर 132 के बीच में आ रहे हैं नंबर, तो आप सेफ हैं, फिजिकल की तैयारी में लग जाना। और वहीं अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो मेल के लिए जो कट ऑफ है आपकी वो लगभग 135 से लेकर 137 के बीच में जा सकती है, यहाँ पर भी मार्जिन आपको रखना पड़ेगा लगभग 4 नंबर का। और वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं तो 138 से लेकर 141 142 के आसपास आपकी फीमेल की कट ऑफ रह सकती है, इसे नोट कर लेना। और बाकी डिटेल में उस वीडियो को जरूर देख लेना। रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है, आज तारीख आपकी 21 तारीख हो चुकी है, 21 अक्टूबर आज है, और लगभग 9 से 10 दिन लगेंगे आपके रिजल्ट को आने के लिए। और अगर 9 से 10 दिन के अंदर नहीं आता तो नवंबर के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है रिजल्ट का अपडेट। बाकी फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, तो फिजिकल के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। 22 दिसंबर आपको आपका मेंस का पेपर यानी कि पेपर 2 का पेपर है, तो फिर से वही आपके पास समय बहुत कम है, तो 10 से 12-15 दिन के अंदर आपका फिजिकल भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फिजिकल की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपके नंबर जो है तो मैंने बताया उस क्राइटेरिया के बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगभग 2 महीने से पिछले 2 महीने से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उनसे कम्प्लीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। ये सभी चीज़ें जो है आप सभी लोगों के लिए, ये अपडेट था आप सभी लोगों के लिए। और बाकी आपके बहुत सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं अगले महीने, आपको बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली, जिसमें आपका सीपीयू का पेपर, सीजीएसएल का मेंस पेपर होने वाला है, आपका सीजीएल का आपका 2024 का नोटिफिकेशन या कैलेंडर आ सकता है। जितने भी 2024 के अंदर पेपर होने वाले हैं सभी का जो अपडेट है वो आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, लास्ट में या फिर दिसंबर में तो मिल ही जाएगा, वो तो आपकी डेडलाइन है ही है। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ लेना। फिजिकल को लेकर फिजिकल के स्टैंडर्ड क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं, और बाकी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और बाकी आपके नंबर कितने आ रहे हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको अपने नंबर बताने हैं, आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, और आपको अपना जेंडर बताना है। ये 3 चीज़ें आपको नीचे बतानी है, बाकी मैं आपको डायरेक्टली भी वहाँ पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।